कल थी मावस और कई निकाली क्योंकि सूरज ग्रहण है ग्रहण के मारे निकली है तो काली निकाली वो सारा निकाली लगभग लेकिन मैंने निकाली। तो ये बेहतर हो भाई पाँच साढ़े पाँच का टाइम है कितना तो निकाल उकाल लूंगी सूरज उग गए का इतना तो अभी मैं निकल गया प्रसाद उसाद मेरा बन गया है ही अंगार में बना रही हूँ अंगार भी मैं चूल्हे पे जड़ाया नहीं सुबह सुबह तो मैं थोड़ी बहुत अगर अमेजन से होगा इसमें बना लिया मैं गैस पे थोड़ी सी तो फटाफट लाग रही हूँ और बाकी मेरा सारा काम हो गया प्रसाद भी चावल बनाए हैं मैंने खीर नहीं बनाई क्योंकि कोई भाई अभी भाई भैंस नहीं है तो खीर नहीं बनाई मैंने चावल बना दिए थे इसके साथ दाल बना ली बाद में तो दाल चावल खा लेंगे और ये फिर मैंने बड़ा फटाफट खाना बना लिया था भोजन प्रसाद और मैं फटाफट से जोत लगा ली हूँ बताना भाई किसने कल कल काट दिया आप लोग बताइए भाई मावस किस किस ने कल काट दिया कौन कौन आज काटा है तो भाई प्रसाद मेरा बढ़ गया है मैं फटाफट जोत लगा दू मिलो आप तक थोड़ी देर में बने रहना लोग मैं जब तो कह दिन मावा सात बे दिन छोरी खाना इसमें खीर बनाओ तो दूध ले फिर फिर मुक्त फिर कल बखत उठ काट लियो मुझे सूरज उगो कुछ पहले काट दूं और ये भाई सारा काम करने के बाद वो भाई बड़ा ड्रेस व्रेस सी हो गई थी तो फिर मैंने मशीन लगाई नहीं मुझे चलो ना धो लेते हम सारे तो फिर मुझे चलो हाथ ही धो दूँ कल धोए थे फिर कपड़े तो फिर मुझे चलो आज ये दो बड़ का ड्रेस थे एक सूट मेरा था और एक दो बच्चों के तो फिर मुख वो है मुझे विंध के लिए के मशीन लगाऊंगे लगता है मुझे हाथ से ही धो लूँ तो भाई थोड़े कपड़े होते मैं अपने हाथ से ही धो लूँ मेरे तो सारे कपड़े खैर मैं सूट वगैरह सब हाथ से धोया हूँ तो आज के बच्चे के भी थोड़े थे तो फिर नू है मतलब दो दिन में एक दिन मशीन लगाया करूँ डेली नहीं धोती लेकिन फिर मैं दो ही कपड़े थे मुख लेन के लिए के पड़े रहेंगे मशीन में फिर ड्रेस हो जाए बड़का जरूरी तो फिर मैं भी ड्रेस नहीं सूखे के लिए भी मैं हाथ ही धोके और भाई सुखा दिए थे सारे चलो फिर मौसम ऐसा हो रहा था मुझे लगा कभी ख़राब ना हो जाए इसलिए मतलब तो धूप आ रही है मुझे चली तरह फिर फटाफट इन्हें धोकर सुखा दूँ अभी दोपहर हो गई तो आर्यन टूस क्या था बहुत जबरदस्त तो यही मैं आर्यन मनान लाग रही हूँ अभी शाम का टाइम हो गया था तो आज भी मैंने बनाऊंगी करेले क्योंकि दो दिन हो गए थे मेरे मन में आज कढ़ी बनाने की थी लेकिन फिर वो था लस्सी भी रखी थी तो कि फिर वो था मुख करेले लेकर आए थे तो दो दिन हो गए रखे मुख फिर वो लड़ेगा मुख चलो आज करेले बना लेती हूँ क्योंकि फिर लड़न लग जाए क्या सब्जी दरी दरी खराब हो जाए बना मैं ना तो अभी तो सब्जी भी रखी थी लेकिन फिर मैं है करेले तो बनाए पीछे एक दो दिन चल जाए है मतलब दो तीन दिन आराम से खा लिया चार के टाइप में यूज हो जाए हैं तो फिर वो ही हम चलो आज करेले बना लो नहीं फिर करेले ख़राब हो जाएंगे कड़ी मुख फिर कल बना लेंगे तो यही मैं पैट की थी और भी साथ साथ भी आ रहे हैं तो साथ में खेल रहा है और भी पंछी मैंने पढ़ाने के लिए वो बैठा दी थी मुख अंदर बैठ के पढ़ ले इतना मैं भी बना लेती हूँ और मौसम आज ख़राब हो रहा है मौसम को तो बारिश का हो रहा था आंधी सी चढ़ रही थी बहुत कसूती तो टाइम तो 4 बजे का होया था लेकिन फिर मैं बाहर बैठ गई धूप वगैरह सब जा रखी थी मौसम मतलब सही हो रहा था ठंडा हो रहा था लेकिन आंधी चढ़ रही थी बहुत कसूती
तो अब यूं है बलवान दी आ गई तो सारा घर भर जाएगा मट्टी में, फिर वो ही हो जाए कुपाची हो जाए है, क्योंकि साफ सफाई करे उड़ा सबका सब ऐसा बेकार सा हो जाए है। तो मैं सोची भी आंधी ना आवे तो ही बढ़िया है। तो जी यहाँ पे मैंने फिर भाई मैं स्टार्ट कर दिया था अपना खाना बनाना। तो भाई ये करेले के लिए मैंने प्याज काट ली थी और तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, ये भी कुछ मोटे मोटे काटे, थोड़ी सी तड़के के लिए काटे अलग से, और ये भी फ्राई करूँगी मैं पहले करेले को और प्याज को। प्याज फ्राई हो गई तो मैंने करेला फ्राई करूँगी, करेले मैंने डाल दिए थे और भी प्याज भी डालती हूँ मैं सबसे लास्ट में, क्योंकि थोड़ा सा फ्राई करके जो कि बहुत बढ़िया टेस्ट आया है। और ये हमने मसाला तैयार कर लिया था, तो यहाँ पे भाई मैंने ले लिया था सौंफ, हल्दी, धनिया पाउडर और जो बोल रहे हैं मिर्च है, नमक है, राई है और भाई जो बोल रहे हैं इसने जीरा है। तो थोड़ा थोड़ा सारा मसाला ले लेता, सौंफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि भाई करेले की तासीर गर्म होती है और सौंफ भाई ठंडी रहती है, तो भाई करेले में सौंफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है डालनी, उसे टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया आता है। और ये प्याज और ये मेरी करेले इधर दोनों हो गए थे तैयार बिल्कुल फ्राई होके, और ये भाई जो तेल और बचा था फ्राई करने के लिए उसके बाद बच गया था, तो इससे मैं तड़का लगाने वाली हूँ, जो काफ़ी तेल था इसमें ठीक ठाक बच गया था सब्जी के लिए। तो अभी मैंने सारा मसाला डाल दिया है और इसको मिक्स करके चला लेंगे। थोड़ा भुनने के बाद इसमें जो प्याज हमने रखी थी वो काट के डाल दी मैंने, तो काफ़ी बढ़िया टेस्ट आ, थोड़ी कैरी नहीं थी क्योंकि कैरी मिली नहीं मार्केट में, अगर कैरी होती तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है करेले में। तो ये मेरे करेले बिल्कुल बन के हो गए थे रेडी, और मैं तो ऐसे बनाती हूँ भाई, आप लोग बताना भाई आप लोग कैसे बनाते हो, मैं काफ़ी तरीके से बना लेती हूँ अलग अलग तरीके से। और ये लास्ट में ये प्याज बची थी, तो ये प्याज मतलब आपको डाल के देखना बहुत ही टेस्टी लगती है, सबसे लास्ट में ये मैंने प्याज डाल के मिक्स कर दिया था, इससे कड़वाहट भी कम हो जाती है और खाने का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ मेरे करेले हो गए बन के, कुछ भी सुबह की सब्जी बची हुई थी, कुछ करेले हो गए थे, तो मेरा डिनर हो गया था रेडी एकदम से। छोटी सी आइसक्रीम में पका लिया वैसे ये पहले रीट पकान लाग रहा है, आइसक्रीम खावे है जो ऊपर ऊपर के नाप खा जाएगा बढ़िया बढ़िया किन नीचे मिलता है छोड़ेगा। हम आपकी देना एक बाइट मुझे, थैंक यू, आज तानू दे रहे हैं छोड़ दो सरी हमारी पहले से छोटी थी यार। थैंक यू, 30 और 30 60 70 रुपये खराब कर लग गए या 20 की दी आरिन वाली फिर ये 20 30 30 की ये और एक पापा कुल्फी खाते हैं। देखो कुल्फी खाया है ना दे रहे ने, मेरी क्यों खा रहे हो फिर आप, इतने चालू से आप कुल्फी खाया है मेरे भी खा लग रहा है। हाय आइसक्रीम खा लो अनु की, ऊपर ऊपर का जो माल था ना तो खुद खा गया या छोड़ दी मेरे ताई मतलब टूटी फ्रूटी स्वाद लग गया है। दूध तो होना चाहिए, रबड़ी तो दूध में बने, उस दिन जब आई थी आप उस दिन आप कित गायब हो गए थे, वो बहुत तो टेस्टी बनी थी, उसमें बनाई थी जो कढ़ाई में जो दूध रह गया था लास्ट में आइसक्रीम जमा दी उसकी रबड़ी सी बन गया था जब, उस दिन मिठाई निकाली उस दिन वो इतनी बढ़िया जमी जी, उसको वो कुल्फी वाला कुल्फी नहीं दे सेम वो बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी